मनीषा रानी वैसे काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ये बात जो है आपको पता है, फुकरा इंसान को भी पता है, एल्विश को भी पता है, घर में काफी सारे लोगों को पता है। पर उर्फी जावेद के आने के बाद जो है ये श्योरिटी फुकरा इंसान और एल्विश को पक्का मिल चुकी है। फुकरा इंसान और एल्विश जो है काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं उर्फी जावेद की, काफी अच्छी उर्फी है, स्ट्रांग ओपिनियन है, काफी ज्यादा वोकल है, सरकैज़म वे जो है उसमें काफी ज्यादा है, ऐसी वैसी बातें कर रही हैं। और फुकरा इंसान बोलते हैं कि भाई तेरे आने से जो है टीआरपी सच में काफी ज्यादा बड़ी है, और सच में तूने आके नमक जो है वो डाला है, तो एक्चुअली में नमक है। बिकॉज आप लोगों को पता है खाने में कितने भी मसाले डालते रहो, अगर नमक नहीं ना तो खाने का स्वाद नहीं होता। तो ये एल्विश जो है यहाँ पर आके ये काम किए हैं। क्या आप भी ये मानते हो कि वो नमक है, तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। जिस तरीके से मनीषा को पसंद कर रहे हैं, उर्फी ने बोला कि भाई तुझे बहुत, मतलब कि मैं तुझे बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, ये बातें जो है बोला, और बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और काफी सारे पॉइंट जो है मनीषा के बारे में बोला है। तो मनीषा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जा रही है, उसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं बाहर। अब जो है ये श्योरिटी मिल चुकी है फुकरा इंसान को। अगर फुकरा इंसान को इतनी श्योरिटी मिली है तो डेफिनेटली मनीषा रानी को भी मिल गई होगी। बहुत क्लियर बातें करके गई है जो उर्फी है। और ये चीज एक्चुअली में हम चाहते थे कि एक 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जो है मनीषा को पता चलती। जहां पर मनीषा को डिमोटिवेट किया जा रहा था, वहां पर एटलीस्ट ऐसा कोई इंसान आके मोटिवेट करता तो बहुत ही अच्छा रहता, बहुत राहत मिलती। पर बोलते हैं ना, जो दुख आना है वो दुख को सह के ही आगे निकलना है। तो वो दुख था फैंस के दिलों में जो मनीषा को डिमोटिवेट किया जा रहा था, पर वो जो है अब निकल चुका है, अब राहत की बारी है। पर एक फिर से डर आ गया है कि मनीषा का एविक्शन, वोट करना मत भूलना अगर वोटिंग लाइन ओपन हो गई। मैं तो खुद मल्टीपल आईडी से वोट करने वाली हूँ। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।